क्या ही मस्त खूबसूरत लगता है, मतलब जैसे अभी मौसम खुला है ना तो अभी अच्छा लग रहा है। अभी मेरी आवाज भी निकल रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। अभी हम आ गए मेरे ससुराल और बुआ के घर। जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। मेरा नाम है अमित वामने आरजे और आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं घर पे और आपने नेक्स्ट वीडियो देख लिया है तो उसको देख के आपको पता चल गया होगा कि भाई हम घर से निकले थे और रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया था, मतलब कि पहाड़ गिर गया था। तो वहाँ पे हमने तो मतलब बहुत सारा शूट किया है तो वो आप नेक्स्ट वीडियो हमने डाल दिया है तो उस पर देख लेना। बाकी अभी हम चल रहे हैं मेरे ससुराल और इनके पियर में जो कि चिकली में है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या सीन मिलता है। तो चलो है ना, चलते हैं ना। ठीक, रास्ता देखो आगे है ना, पता क्या जा रहा है। भाई लोगों अभी हम 3 नंबर पे पहुंचने वाले हैं और आप ये देख ही सकते हो भाई, यही पाइप लाइन है ना तो इंदौर में गई है और ये पानी है तो सीधा अपने नर्मदा माता का पानी जाता है जो कि लोग उनको इंदौर में पानी देता है। और ये कुकु दही वाली बड़ी है, ये इधर ये दही है और ये पुरानी है जिसको वहाँ से चेंज कर दिया है कि वो उधर की साइड हो गई, ये इधर की साइड हो गई। ये 3 नंबर है और भाई साहब सामने देखो भाई बकरे हैं, ये है 3 नंबर। भाई लोगों अभी हम फाइनली 3 नंबर को पार कर दिया है और अभी इधर है तो पूरे गांव खेड़े आ जाएंगे जो कि छोटे छोटे से गांव है पर बहुत ही प्यारे नज़ारा है, मतलब दिखते हैं पूरा खेती देख सकते हो आप सामने तो कपास लगा है, मक्के लगे हैं जो कि हम मक्का बोलते हैं और यहाँ पे हमारे गांव में मक्का बोलते हैं। और ये देखो भाई मक्के कपासी है और इधर है कपासी है यहाँ पे, गांव का नज़ारा भाई देख ही सकते हो आप, अद्भुत नज़ारा है। इसीलिए ना तो गांव में जो रहने का है ना भाई वो सिटी में नहीं है, क्योंकि सिटी में भाई पैसा है पर गांव में जो खूबसूरती देखना हो ना तो गांव में आना कभी घूमने के लिए। और यहां पे एक नदी है भाई लोगों, तो वो नदी आपको दिखाएंगे। तो चलो, और नदी कैसी खतरनाक जा रही है वैसे तो पानी, क्योंकि पूरा पानी है तो भाई देख ही सकते हो आप, पूरा सोयाबीन की बैंड बजा दिया है, सोयाबीन पूरा ख़राब हो गए हैं। और ये देखो भाई पानी कहाँ कहाँ से गया है भाई, इतना खतरनाक, मेरे को लग रहा है ये पाइप के ऊपर से गया पानी। देखो भाई लोगों ने ये पाइप उनके ऊपर से पानी गया है यहाँ पे, ये पूरे झाड़ों देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये वाली नदी है, ये देखो भाई लोगों ये वाली नदी है, यहाँ से तो रास्ता ही बंद हो गया होगा निकलना पूरा। हाँ, यहाँ से पूरा रास्ता बंद हो गया होगा, जब ये पानी गया होगा ना कल, कल ही पानी गया है फिर रात में भी गया होगा। हाँ, रात में कल तो यही पानी आगे बंद रहा था। तो भाई लोगों थोड़ी देर में हम आवलिया तालाब पहुँचने वाले हैं, फिर आवलिया तालाब से फिर हम जाएंगे चिकली बागदरा फटा जाएंगे, फिर वहाँ से चिकली जाएंगे इसलिए आता है सोमाखेड़ी में, सोमाखेड़ी है। तो भाई लोगों अभी हम आ गए आवलिया तालाब और बस यहाँ से थोड़ी दूर और है हमारा चिकली, तो हम जा रहे हैं चिकली में। तो अभी यहाँ से हम आए हैं आवलिया तालाब में से निकल के जा रहे हैं, क्योंकि हमको जाना था उधर बकलाई से पर बाकी है तो इधर चिकली से जा रहे हैं, अरे क्या बोलते हैं आवलिया तालाब से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे दिखाते हैं ना। और इधर देखो भाई कुत्तों उनका राज चल रहा है, और रास्ता देखो भाई लोग उन क्या ही खूबसूरत रास्ता है, और रास्ता का मज़ा लेने जा रहे हैं हम, अच्छे अच्छे रास्ते का मज़ा ले लिया। और भाई सो आप अभी मौसम देखो आप, मौसम कितना क्लीन हो गया है और काफ़ी मस्त लग रहा है नज़ारा तो, और मौसम भाई क्या ही खूबसूरत नज़ारा हो गया। और वो है बकलाई आगे पर हमको यहाँ से नहीं दिख रहा है कैमरे में, बाकी चलते हैं घर पे और फिर दिखाते हैं।
राइट पे। चलो फल फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल